joining us on stage. एक फौजी है जिन्होंने हमारे देश की सेवा की है इंडियन आर्मी फॉर 16 ईयर्स, जिसके चलते वो काफी बार बॉर्डर पर भी पोस्टेड रहे हैं. आफ्टर रिटायरिंग ही वेंचर्ड इनटू डायरेक्ट मार्केटिंग, बिल्डिंग अ लार्ज टीम एंड बिकमिंग अ मेंटोर टू मेनी. लेडीज एंड जेंटलमैन, जॉइनिंग अस ऑन स्टेज इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एस्क्रिपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड. प्लीज गिव इट अप फॉर मिस्टर संजीव कुमार. सर, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं और ना सिर्फ बिलोंग करते हैं, आप इस इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, आप एसोसिएशन प्रेसिडेंट भी हैं. सो इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने के बाद व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? थैंक यू सो मच. सबसे पहले बहुत बहुत आभार, धन्यवाद भाई साहब प्रवीण जी का, भारतीय भाई साहब का ये मंच प्रदान करने के लिए. सस्टेनेबल ग्रोथ डायरेक्ट सेलिंग या इन द सेलिंग या इन द ट्रेडिंग ऑल्सो, it is the same, depends on quality of product, depends on parameters of company and depends on upgradation. आज के scenario में होता क्या है कि जब भी हम कोई business करते हैं और किसी business को हम run करते हैं तो सालों साल हम अपना trend change नहीं करते. नई technology, new innovation, new quality, new product, वो सब अपनाने में हम कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं, क्योंकि हमारी खासकर जो मैंने देखा कि इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ कौन सही है इस पर ज़्यादा बात होती है, क्या सही है इस पर बात नहीं होती. तो सस्टेनेबल ग्रोथ डिपेंड करती है हमारे किसी भी बिजनेस की कि हमारे कस्टमर एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, कस्टमर रिटेंशन कैसा है, और वो डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्ट. अगर हमारा प्रोडक्ट एक बार किसी के घर चला जाए और उसके बाद वो इटसेल्फ अपनी डिमांड क्रिएट करे, तो बशर्ते बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, पर द मेजर पैरामीटर इज योर प्रोडक्ट, योर प्राइस, योर क्वालिटी. अगर कस्टमर को आपका प्रोडक्ट, आपका प्राइस, आपकी क्वालिटी, आपसे एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है तो वो रिटेन होता है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस आपका ग्रोथ होता रहता है. और कंपनीज के पास जब जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो अडोप्ट करते रहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा कि टेस्ला ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कार को मैन्युफैक्चर किया, दुनिया में इंट्रोड्यूस किया, तो फिर तो एक समय पर आकर लोगों ने कहा भाई ये तो नहीं होगा, लेकिन टाटा ने भी माना, मारुति ने भी माना, अभी सभी कंपनियां मान रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कार का फ्यूचर है. डेट मीन्स उन्होंने ये माना क्या सही है, कौन सही नहीं. तो खासकर हमारे इंडियन ट्रेडिशन में और इंडियन ट्रेडिंग में या बिजनेस में मैंने जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है वो ये है कि हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना पाते और बना के हम अच्छे प्राइस में बेच भी नहीं पाते. इसी वजह से जहाँ तक मुझे लगता है हम लोग पीछे हैं. अभी पिछले पैनल में बात हो रही थी कि इंडिया में हम कहीं भी ब्रांड नहीं है, हम ऑटोमोबाइल में ब्रांड नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिक में ब्रांड नहीं है, बिकॉज हमारा वो माइंडसेट ही नहीं है ब्रांड बनने का. ब्रांड बनने का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो वहाँ पर बहुत इथिक्स और प्रिंसिपल्स के साथ आपको चलना पड़ता है. तो मैं देखता हूँ कि इंडिया में मैन्युफैक्चरर पे बात करें, ट्रेडर पे बात करें, तो मैन्युफैक्चरर चाहता है मैं बनाते बनाते मुझे मार्जिन बच जाए, और ट्रेडर चाहता है कि भाई मुझे इतना कॉस्टली ना बेचना पड़े या इतना अच्छी क्वालिटी ना बेचना पड़े. तो कंपेरेटिवली जब वो कंपटीशन देखता है तो ये नहीं देखता कि मुझे ब्रांड बनाओ, देखता वो कितने में बेच रहा है तो कितने में बनाना है. और कहीं ना कहीं ट्रेडर ही मैन्युफैक्चरर को मजबूर करता है कि मुझे ये चीज इतने में ही बना के दो और मुझे इतने में ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि भाई अब तो बनानी पड़ेगी क्योंकि मुझे तो अपना माल बेचना है. तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा इंडिया ब्रांड बने, हम लीडर बने, तो हमें ये लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरर के साथ हम ये झगड़ा ना करें कि इतने में ही बना, हम उससे कि अच्छी क्वालिटी बना, अच्छे प्राइस में बना, तो जाकर मुझे लगता है कि सस्टेनेबल ग्रोथ की हम बात करें या आगे इंडिया को लीडर बनने की बात करें या बड़े बड़े ब्रांड बनने की बात करें तो तभी हो सकता है. या मैं सीखना होगा अमेरिका से. अमेरिका ने ब्रांडिंग और मार्केटिंग में कहता हूँ वर्ल्ड बेस्ट अमेरिका की है. क्वालिटी सीखनी होगी हमें यूरोप से कि क्वालिटी सबसे अच्छी यूरोप ने बना के दी है, और मैन्युफैक्चरिंग सीखनी होगी हमें चाइना से. और ये तीनों काम हमारा इंडिया बड़े इजीली कर सकता है क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल है. हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ा इंडिया अपने आप में एक हब है,
वो लेबर है हमारे पास, वो रिसोर्सेज है हमारे पास, और ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए भी आईटी की दुनिया में आज कहते हैं इंडियन ब्रेन इज द मोस्ट फास्टेस्ट ब्रेन एंड ब्रिलियंट ब्रेन इन दिस वर्ल्ड। तो अगर हम लोग भी ये सोच के काम करेंगे तो जरूर एक सस्टेनेबल ग्रोथ, एक लीडरशिप इन वर्ल्ड हम लोगों को मिलेगी। बहुत ग्रेट सर। सो हाउ हैज सीआईटी सपोर्टेड यू इन बिल्डिंग रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। कैट के हमारी जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया, हमारी इंडस्ट्री में 3 एसोसिएशन है, वो उन सब ने मिलकर कैट को अप्रोच किया कि हम भी, हमारे पास भी सारे व्यापारी हैं, 1 करोड़ के आसपास हमारी संख्या है। तो जब हम भाई साहब प्रवीण सर से मिले तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अगर आप लोग हमारे साथ आइए, हम आप लोगों की इंडस्ट्री में आप लोगों का सपोर्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं जो परसेप्शन आप लोगों की इंडस्ट्री के खिलाफ बना हुआ, उस परसेप्शन को सही करने में मैं पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ भूमिका निभाऊंगा। तो मैं आज कैट एसोसिएशन और कैट के सभी ट्रेडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने हमारी इंडस्ट्री को एक्सेप्ट किया। और सबने कहा था 1 करोड़ तुम हो, 9 करोड़ हमें, तो 1 करोड़ 11 होते हैं और 1 करोड़ 10 हो जाते हैं, तो तुम्हें सीधा 9 गुना ग्रोथ मिलेगी। तो 8 मार्च को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कैट के साथ हम लोगों ने वुमेन्स डे पे किया, जिसमें देश के सामान्य मंत्री मोदी आए कंज्यूमर अफेयर्स के, और वो पहला दिन था हमारी इंडस्ट्री में कि पूरे भारत में हमारा परसेप्शन चेंज हुआ, पूरे भारत ने हमें एक्सेप्ट किया। और हमारी इंडस्ट्री पिछले फाइनेंशियल ईयर में 22,000 करोड़ किया था, इस बार हम ये मतलब देख पा रहे हैं कि हम लोग इस साल तकरीबन 30 करोड़ टच करेंगे, 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री हमारी इस साल हो जाएगी बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ कैट। और कैट में आके मुझे ये लगा जैसे मैं खुद फौजी हूँ, तो मेरा नेचर रहा है हमेशा हारने वाला, लड़ने वाला, पीछे ना हटने वाला। तो मैंने व्यापारियों के जो फौजी देखे, वो भाई साहब प्रवीण जी देखे, मैंने कहा मेरी तरह जिद्दी और जो कह लिया, जो सोच लिया लोगों के लिए, उन्होंने करके दिखाया। तो बहुत बहुत थैंक यू कहूंगा मैं आज फिर इस मंच को, कैट को, कि आपने हमारी इंडस्ट्री को एक्सेप्ट किया। और कैट के साथ आने से हमारी इंडस्ट्री में भी करेक्शन शुरू हो गया, और यहाँ भी इथिकल प्लेयर्स ही अभी रह रहे हैं, अनइथिकल प्लेयर्स यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बनी ही अच्छे प्रोडक्ट बेचने के लिए थी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री दुकान से बेचती नहीं है, घर घर जाके बेचती है। तो अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे तो हमें रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, और हमें मार्केट एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो बहुत कुछ मिला हमें तो, और मुझे लग रहा है अब तो भाई साहब और भी बहुत कुछ हमारी इंडस्ट्री के लिए करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच प्रवीण भाई साहब, भारतीय भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।